बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 4 वेलकम टू मैथ्स लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर प्रैक्टिस शीट दिस प्रैक्टिस शीट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट्स चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इसका इफ आदिल कैन साइकिल 15 किलोमीटर 15,000 मीटर इन 1 आवर हाउ फार कैन ही साइकिल इन 12 मिनट्स क्वेश्चन आपका ये है कि अगर जो आदिल है वो 15 किलोमीटर तक साइकिल करके जाता है इन 1 आवर 1 आवर में तो वो 12 मिनट्स में कितनी दूर तक जाएगा उसका आंसर है आपके पास 15 किलोमीटर इन 1 आवर मीन्स 1 आवर में 15 किलोमीटर तक गया 15 किलोमीटर इन 60 मिनट 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स क्योंकि हमें दूसरा जो यहाँ पे गिवन है वो 12 मिनट्स है तो हमें इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लिया सो 15 किलोमीटर इक्वल्स टू 60 मिनट इन 1 मिनट 1 मिनट में वो कितना दूर जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे यहाँ पे इन 12 मिनट इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ये जो स्टार का साइन है ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल का साइन डालेंगे 15 को जब 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले हम मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 180 को जब 60 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर इस 12 मिनट में वो कितनी दूर तक जाएगा 3 किलोमीटर तक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू इज आनिया वेट्स 67 किलोग्राम 18 ग्राम आयशा वेट्स 62 किलोग्राम व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर वेट्स एक लड़की है आनिया आनिया का वेट है 67 किलोग्राम 18 ग्राम और दूसरी लड़की है आपके पास आयशा आयशा का वेट है 62 किलोग्राम आपने इन दोनों के वेट्स के दरम्यान में डिफरेंस फाइंड करना है मीन्स इन दोनों के वेट में कितना डिफरेंस है किसका वेट उससे कितना ज़्यादा है तो यहाँ पे हम इसको माइनस करवाएंगे आनिया वेट्स इक्वल्स टू 67 किलोग्राम 18 ग्राम आयशा वेट्स इक्वल्स टू 62 किलोग्राम यहाँ पे देखिए मैंने 62 को 67 के नीचे लिखा है माइनस करवाने के लिए क्यों क्योंकि हमारे पास 62 जो है वो किलोग्राम है इसके साथ इसका यूनिट केजी है और 67 के साथ भी जो यूनिट है वो भी केजी है ग्राम वाले में हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि 62 किलोग्राम के साथ हमारे पास ग्राम में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम कुछ नहीं लिखेंगे उसके नीचे एंड देन इसको हम माइनस करवाएंगे यहाँ पे जब माइनस करवाएंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे माइनस करते हैं 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 मीन्स हमारे पास आंसर आ गया है और 18 ग्राम क्योंकि सिंपल 18 ग्राम ही है उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 5 kg 18 ग्राम हमारे पास ये आंसर आ गया है डिफरेंस इन देयर वेट्स इक्वल्स टू 5 किलोग्राम 18 ग्राम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वाटर टैंकर कैरेट 12,000 लीटर ऑफ वाटर इट डिलीवर्ड 5,000 लीटर टू आ हाउस व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लेफ्ट एक वाटर टैंकर है जो कि 12,000 लीटर पानी लेके जाता है इट डिलीवर्ड 5,000 लीटर टू आ हाउस एक घर को दे देता है वो 5,000 लीटर व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लेफ्ट तो अब हमारे पास क्वांटिटी क्या रह गई है वाटर की जो हमारे पास बाकी रहेगी 5,000 हमने एक घर को दे दिया तो अब कितना रह जाएगा उस वाटर टैंकर के अंदर अ वाटर टैंकर कैरीड वाटर इक्वल्स टू 12,000 लीटर इट डिलीवर टू अ हाउस इक्वल्स टू 5,000 लीटर 5,000 लीटर उसने एक घर को दे दिया है अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे पास क्वांटिटी जो लेफ्ट रह गई है वो कितनी है क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज लेफ्ट माइनस करेंगे यहाँ पे जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो जीरो में से जीरो जीरो एंड यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 2 है कैरी लेंगे कैरी लिया 1 से तो यहाँ पे होंगे 12 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 मीन्स हमारे पास आंसर आ गया है 7,000 लीटर क्लियर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये क्योंकि आपकी प्रैक्टिस शीट है आपको मेजरमेंट वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सिखाए गए हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट आपको बना के दी जाती है तो इसलिए इसको आपने प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4 में है कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम मीन्स आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है ये आपको बताया गया जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं और 1 किलोग्राम में आपके पास कितने ग्राम्स होते हैं 1,000 ग्राम्स तो सिंपली आप इसको इक्वल का साइन लगाएंगे 49 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 ग्राम
स्टार का साइन जो यूज़ किया गया वो आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है। 49,000 आपके पास आंसर आ जाएगा, 49,000 ग्राम। बी आपके पास है 14 किलोग्राम। सेम प्रोसीजर करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 1,000 ग्राम, 14,000 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है 9 किलोग्राम, 9 मल्टीप्लाई बाय 1,000 ग्राम, 9,000 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवा चुके हैं। मिलीलीटर एक छोटा यूनिट है और लीटर एक बड़ा यूनिट है। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1,000 मिलीलीटर्स होते हैं। ए बी और सी पार्ट हैं इसके, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ए पार्ट 7,000 मिलीलीटर को हमने लीटर में चेंज करना है। इक्वल का साइन लगाएंगे, 7,000 डिवाइडेड बाय 1,000। 1,000 में जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 7 लीटर में आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है इसका 29,500 मिलीलीटर, इसको भी इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे 1,000 के साथ। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29.5 लीटर। सी पार्ट है इसका 6,240 मिलीलीटर, इसको भी डिवाइड करवाएंगे 1,000 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 6.24 लीटर। ये आपके आंसर्स हैं। इसको आपने अपनी नोटबुक में इस प्रैक्टिस शीट को इसी तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। इस पूरी प्रैक्टिस शीट को आपने नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। नेटिव स्कूल का स्लोगन नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।